सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही एनसीबी अब धीरे धीरे बॉलीवुड की उस ड्रग चेन को क्रैक करने की तरफ बढ़ रही है जो काफी वक्त से एक्टिव है। जी हां दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस पड़ताल में अब तक ढेरों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और संभावना है कि अभी भी बहुत सी गिरफ्तारियां होंगी। अब तक इस मामले में 5 एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ चुके हैं जिन पर तलवार लटकती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से दीपिका पादुकोण और करिश्मा की चार्ट सामने आई है और जिस तरीके से ड्रग्स के लेन देन को बातचीत चल रही थी, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां इस जाल में फंस सकती हैं। एनसीबी ने हाल ही में जो खुलासा किया है उसमें दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। दरअसल एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में जया साह के मैनेजर करिश्मा से दीपिका पादुकोण की बातचीत के चार्ट सामने आए हैं। जया साह सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर थी जिनसे एनसीबी ने आज पूछताछ की है। आपको बता दें कि करिश्मा और दीपिका की इस बातचीत के सामने आने के बाद पूरे बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। दीपिका इसमें करिश्मा से पूछ रही हैं कि क्या तुम्हारे पास माल है। इसके जवाब में करिश्मा कहती हैं हाँ, लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूँ। आपको बता दें कि इसके साथ ही सुशांत के टैलेंट मैनेजर जया साहा और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की चार्ट भी सामने आई है जिसमें श्रद्धा जया से सीबीटी ऑयल मांग रही है। ये एक तरह का ड्रग होता है, हालांकि जया का कहना है कि ये ऑयल लीगल है। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि चैट के दौरान कुछ अंग्रेजी अक्षरों को कोड की तरह इस्तेमाल किया गया है। इन कोड्स को डिकोड करने पर नम्रता शिरोडकर का नाम भी निकलकर सामने आया है। कोड्स के मुताबिक DNSK यानी कि दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, श्रद्धा कपूर के यानी कि करिश्मा प्रकाश है। आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन में ड्रग्स कार्टल केस में रकुलप्रीत का नाम भी सामने आ चुका है। नाम सामने आने के बाद रकुलप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ हो रही मीडिया कवरेज रोकने की मांग की है। रकुल ने कहा है कि इस तरह से उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ में एनसीबी को श्रद्धा कपूर का नाम भी पता चला। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स के लेन देन में सारा का नाम लिया। रिपोर्ट्स की माने तो एनसीबी इस हफ्ते सारा अली खान श्रद्धा कपूर को ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रग्स एंगल में अब इन 5 एक्ट्रेसेस पर गाज गिर सकती है एनसीबी की। अब जिस तरीके से बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स रैकेट को लेकर बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां इस जाल में जरूर फंसेंगी। अब देखना होगा कि एनसीबी अपनी इन्वेस्टिगेशन में और कितने बड़े नाम सामने लेकर आ पाती है।